रणदीप हुड्डा ने दोस्तों केसरी के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आइए उस बात को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नमस्कार, स्वागत करता है राहुल बोझ आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रणदीप हुड्डा ने दोस्तों कह दी है एक बहुत बड़ी बात, जो कि मुंबई मिरर को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोली। केसरी के लिए उन्होंने बोली कि भले केसरी हिट फिल्म है, लेकिन केसरी मुझे उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात बोली है रणदीप हुड्डा ने कि केसरी मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई। और साथ ही साथ रणदीप हुड्डा ने ये भी कहा कि अक्षय कुमार साहब की ये जो फिल्म थी केसरी बैटल ऑफ सारागढ़ी पे, मैं भी इस पे एक फिल्म कर रहा था, बट केसरी पहले आ गई, जिसकी वजह से जो कि मेरी फिल्म ठंडे बस्ते पर चली गई। ऐसे में दोस्तों केसरी को लेकर रणदीप हुड्डा ने ये भी कहा कि मैंने अपनी फिल्म के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी और उस दौरान मैंने सिख धर्म के बारे में बहुत सी चीजें जानी भी। ऑडियंस को क्या ऑथेंटिकेट चीजें हैं वो समझना चाहिए और उसी के हिसाब से फिल्में देखनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों केसरी के लिए उन्होंने अपनी सारी बातें खोल के रख दी सामने। ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए अपने फेवरेट चैनल के साथ। सो कीप ऑन वॉचिंग।